हेलो गाइज, वेलकम टू आर ओन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल एक्सेस से ही रिलेटेड होगा। प्रिंसिपल एक्सेस के अभी तीन चार थ्योरम चलेंगी। और लास्ट टाइम हमने ये दिखा दिया था कि प्रिंसिपल एक्सेस कितने होते हैं, तीन होते हैं। वो जो तीनों एग्जिस्ट करते हैं वो तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आज हम निकालेंगे कि प्रिंसिपल एक्सेस पे अगर तुम्हें किसी प्रिंसिपल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ जाए तो तुम क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो लेंथ में तुम्हें भले ही लंबा लगे लेकिन बहुत सिंपल है। एक जो शुरू का पार्ट होता है वो तो दो तीन थ्योरम जो लगातार है उन सब के लिए सेम ही होता है। एंगुलर मोमेंटम निकाला था तुमने जब इनर्शिया मैट्रिक्स की हेल्प से, तब जो किया था वही हमने आगे प्रिंसिपल एक्सिस जब एग्जिस्टेंस दिखाई तब वही किया था, और वही चीज़ हम इसमें करेंगे। तीनों में सेम है बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, तो मेन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम ही निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हमेशा जीरो होता है। इस चीज़ की आगे ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस इज ज़ीरो। ठीक है, तो नोटेशन भी इसी में बता दूंगी कि इनके लिए क्या है। इनके लिए नोटेशन भी बदल जाती है, ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ तक जो होती थी वो क्या होती थी, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अब निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो उसमें तो आई कैप जे कैप के कैप ले लेते थे, आर वेक्टर यही तो लेते थे, आर वन आई कैप प्लस आर टू जे कैप प्लस आर थ्री के कैप, क्योंकि आई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर मान लेते थे और ये जे एंड दिस इज के। लेकिन अब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आई जे के कैप तो होंगे नहीं, मान लो ये है ए वन कैप ए टू कैप और ए थ्री कैप, तीनों परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे। वैसे क्या होता था कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड ये होते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब वो एक बार थीटा से मान लो रोटेट कर गया तो अगला वाला भी थीटा से ही रोटेट करेगा और जेड वाला भी थीटा से ही रोटेट करेगा, क्योंकि 90 का एंगल तो वो क्रिएट करेंगे ही करेंगे एक दूसरे के साथ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो R क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जो क्या है R1 A1 पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, नॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस होता तो यहाँ I कैप J कैप और K कैप लेते, यहाँ हमने ले रखा A1 कैप A2 कैप और A3 कैप, जो इन एक्सिस के रिगार्डिंग या अबाउट जो यूनिट वेक्टर है वो ही A1। फिर फर्स्ट इक्वेशन तक लास्ट वाला एज इट इज लिखना है। वो लास्ट वाला आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, रिकैप्चुलेट करा देती हूँ, वरना लास्ट वीडियो बिल्कुल सेम आप देख सकते हो, लास्ट में मैंने कराया था आप लोगों को यहाँ तक फर्स्ट। ठीक है, कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो एच और ओमेगा जो है वो पैरेलल होंगे तो इस तरह की फॉर्मेशन होगी। एच वेक्टर की डेफिनेशन लगा रखी है, एंगुलर मोमेंटम की वो सारी वैल्यूज पुट की और इक्वेशन वन तक आप लेके आ गए। तो फर्स्ट इक्वेशन तक तो आपको एज इट इज़ करना है यहाँ तक, उसके बाद चेंज करना है, उसके बाद ये वाला नहीं करना, क्योंकि अगर आर वेक्टर आई जे के कैप फॉर्मेशन में ले ली तो वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकलेगा, लेकिन हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग तो निकालना नहीं। तो ये आई कैप जे कैप के कैप तो यूनिट वेक्टर ले नहीं सकते, तो जनरल होते थे कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ से हमारी सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, एन वन एन टू और एन थ्री निकालेंगे। ठीक है, अब जब एन वन निकालेंगे तो यहाँ वैल्यूज सारी देखेंगे, ए की जगह क्या करेंगे, ए कैप की जगह ए वन कैप, जब N2 निकालेंगे तो A2 कैप, जब N3 निकालेंगे तो A3 कैप, जहाँ A कैप है वहाँ A1 कैप रख लेंगे। ठीक है, तो शुरू देखें कैसे पुट किया हुआ है। देखो एम आर स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल्स टू समेशन M, यहाँ A1 कैप रखा, इधर R की पूरी R वेक्टर जो था उसकी वैल्यू रखी, R1 A1 कैप प्लस R2 A2 कैप प्लस R3 A3 कैप, A कैप की जगह क्या रखा A1 कैप और R वेक्टर एज इट इज़। अंदर मल्टीप्लाई करो इनकी, जब डॉट प्रोडक्ट होगी I हमें पता है क्या होता था, I डॉट I क्या होता था 1, I डॉट J क्या होता था 0, वही सब इसमें चलेगा। AI और AI जब सेम होंगे तो 1 आएगा, और जब इनका सबस्क्रिप्ट जो है वो वेरी कर रहे हैं, I और J हैं या J और K हैं, 1 और 2 हैं या 2 और 3 हैं, 3 और 1 है, तो 0 आएगा। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 के 3 के साथ अगर तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो I डॉट I है इस तरह करके, तो वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से क्या होगा, जब इनके अंदर प्रोडक्ट होगी तो इनके साथ तो 0 हो गया, जब इसकी इससे होगी तो क्या होगा, एम आर वन ए वन और ए वन की प्रोडक्ट क्या आ गया 1 और R वेक्टर, लेफ्ट साइड में यही चलता आ रहा है। R वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। ठीक है,
आर वेक्टर की वैल्यू पुट करके इधर क्या आ जाएगा, समीशन एम आर स्क्वायर माइनस एन इंटू ए वन कैप। दोनों तरफ से ए वन कैप को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो कंपेयर करना शुरू करो, एक मिनट। जब ए वन कैप को कंपेयर करोगे, वेट, आई होप नाउ इट्स विजिबल, या कोफिशियंट्स को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं हम। एम समीशन एम आर स्क्वायर माइनस एन वन इज इक्वल्स टू एन वन, उधर एन वन होना चाहिए, मतलब पुट करते टाइम से एन लिखा हुआ था, ए वन जब पुट किया तो समीशन एम आर स्क्वायर, क्योंकि जो आर टू और आर थ्री वाले हैं वो तो हट जाएंगे, आर स्क्वायर बनेगा इधर। एन वन इधर रखो, बाकी सब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ या तो, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद आर की वैल्यू पुट करो, आर वन का, आर आर स्क्वायर की, जैसे हम इसमें करते थे ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, तो हमें अगर इसका स्क्वायर करना हो तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, ये होता था। अगर इसका स्क्वायर करना पड़ जाए तो रूट कैंसिल हो जाता था, तो वही काम इसमें है। तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, जब भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर वन स्क्वायर बनेगा, समीशन एम आर वन स्क्वायर, इधर है समीशन एम आर वन स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो एन वन की वैल्यू क्या आ गई, समीशन एम आर टू का स्क्वायर प्लस आर थ्री का स्क्वायर। जब ऐसे जनरली बनता था तो हम ये क्या बोलते थे इस चीज़ को, कि ये एक्स जब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू समीशन एम होता था, तो हम इसे बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये वाई और जेड की बजाय क्या है, आर टू का स्क्वायर और आर थ्री का स्क्वायर, तो इसे क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, जो पहला है, ठीक है। और उसका नाम देंगे हम, उधर क्या होता था कोऑर्डिनेट एक्सिस में ए, और इधर क्या होगा ए स्टार। तो ए स्टार का अपना एक मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, बी स्टार का अपना मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकेंड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज जीरो इन प्रिंसिपल एक्सिस, तो डी, अगर जैसे वहाँ डी होता था, ई होता था, एफ होता था, प्रिंसिपल एक्सिस में डी स्टार होता है, ई स्टार होता है, एफ स्टार होता है, ठीक है। जैसे उसमें ए बी सी होता था, इधर ए स्टार बी स्टार और सी स्टार होता था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड प्रिंसिपल एक्सिस एंड थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो एन वन इज इक्वल टू ए स्टार आ गया, तो डी ई एफ ये सारा तो जीरो हो गया। डी वैसे होगा क्या, समीशन एम, वेट, समीशन एम आर वन, एक मिनट, आर टू आर थ्री होगा ना डी, तो आर टू और आर थ्री है, आर टू और आर थ्री, वेट वेट वेट, या आर टू और आर थ्री। तो ये क्या है, ये है डी स्टार, तो वो क्या होगा जीरो। ऐसे ही समीशन एम आर वन आर थ्री, वो भी क्या होगा जीरो। समीशन एम आर वन आर टू, वो भी क्या होगा जीरो। तो आपको पता चल गया, ए स्टार बी स्टार सी स्टार की वैल्यू पता चल गई, डी स्टार ई स्टार एफ स्टार वैसे पता चल गया क्या होता है, लेकिन जीरो आता हमेशा। तो हमने ये दिखा दिया है कि पहले हम दिखा चुके हैं कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनेंगी, या हम जब भी कोई पॉइंट हमें गिवन है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर, तो हम वहाँ से देयर एग्जिस्ट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या फिर हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक उस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए भी इनर्शिया मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, वो इनर्शिया मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगी, वो इस फॉर्म में होगी, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, क्योंकि यहाँ जब डी ई एफ आते थे वहाँ डी स्टार ई स्टार एफ, क्योंकि इनर्शिया मैट्रिक्स आपको याद है जो हमने एंगुलर मोमेंटम में निकाली थी, बिल्कुल सेम वही है, लेकिन ए की जगह ए स्टार, बी की जगह बी स्टार, सी की जगह सी स्टार, डी की जगह डी स्टार, ऐसे करते करते आप रिप्लेस कर देना। अब डी स्टार ई स्टार और एफ स्टार ये तो जीरो होंगी, तो ए स्टार वाली फॉर्मेशन लिख लो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए स्टार बी स्टार और सी स्टार। अब तुम्हें पहले से पता था कि जब हम एच वेक्टर निकालते थे पहले, तो वो क्या होता था कि वो जे इंटू ओमेगा वेक्टर आया था, जब हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, जे इंटू ओमेगा वेक्टर, इस जे को बोलते थे इनर्शिया मैट्रिक्स, कि हम जब भी इसका इनर्शिया मैट्रिक्स को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करते थे तो आता था एंगुलर मोमेंटम। अब हमारा जे मैट्रिक्स क्या आया है, ये आया है, इसको अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी, तो वो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। बस यहाँ हमारा क्या हो गया, इनर्शिया मैट्रिक्स बदल गई, क्योंकि वहाँ जो है वो डी ई एफ फॉर्मेशन भी थी, यहाँ डी स्टार ई स्टार एफ स्टार तो जीरो हो गई, तो ये वाली फॉर्मेशन बनी इनर्शिया मैट्रिक्स में। तो यहाँ से एच वन किसके इक्वल होगा, ए स्टार ओमेगा वन एच टू, बी स्टार ओमेगा टू एच थ्री, सी स्टार ओमेगा थ्री। एच वेक्टर क्या होता था वहाँ,
H1i कैप प्लस H2j कैप प्लस H3k कैप, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है तो आई जे के की बजाय हमने क्या ले रखे यूनिट वेक्टर के, अपने एक अलग से नाम ले रखे आई जे के, तो जनरल कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए होते हैं, तो A1 कैप A2 कैप और A3 कैप रख लिया, ठीक है। अब H1 की वैल्यू पुट करो, A*ω1, H2 की B*ω2, H3 की C*ω3, A1 कैप A2 कैप और A3 कैप एज इट इज, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, देख लिया हमने A*B*C*, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी देख लिया, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होता है, जीरो। D*E*F* क्या होते हैं, जीरो। और एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया, एंगुलर मोमेंटम ये होता है। आई होप ये वाला आपको क्लियर है। नेक्स्ट टाइम हम काइनेटिक एनर्जी करेंगे, या इसको एनर्जी ऑफ मोशन के नाम से भी आया हुआ है एग्जाम में, डायरेक्टली सिर्फ एनर्जी ऑफ मोशन और आपको पूरा आर्टिकल करना होता है, ठीक है। तो ये वाला आगे करेंगे, अभी के लिए तो ये लंबा हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। I will share my Instagram ID or my UPI ID in the description box. So thank you guys.